Last time we were discussing single phase dual converter. Actually, if you go back and see the previous topic which we have discussed, that is single phase full wave converter. From here you can get the idea. In this configuration, it's a bridge configuration with four thyristors and with a highly inductive load, and it has a two quadrant operation. ठीक है, two quadrant कैसे हुआ? Since we have an inductive load, तो जहाँ पे इसको fire करवाएंगे, तो zero crossing के even after the zero crossing, the current keeps on flowing due to this inductor. ठीक है, because inductor has energy and which needs to be dissipated. तो ये देखें, यहाँ पे इसकी voltage जो है negative हो जाएगी. इसी वजह से ये देखें, two quadrant operation में current has the same direction to the load, but the voltage is inverted in the case when there is no supply. Like this, this is the situation. Okay. Now, in the case of dual converter, it's back to back. Two converter connected back to back. Look at the diagram first. We have already discussed this one previously. Two converter connected back to back, but in inverted configuration. ये देखें, यहाँ पे आपके थायरिस्टर की डायरेक्शन कुछ और है, इट्स अपवर्ड, और यहाँ पे इट्स डाउनवर्ड. ठीक है, एंड देयर इज वन मोर थिंग व्हिच इज डिफरेंट. एक्चुअली दिस कॉन्फ़िगरेशन, आई विल लेट यू नो व्हाई वी नीड टू अटैच दिस इंडक्टर ओवर हियर. ठीक है, लेट्स गो थ्रू स्लोली टू दिस. Connected back to back, both output voltage and load current flow can be reversed. ठीक है, अभी figure में हम देखेंगे. The system provides a four quadrant operation and is called dual converter. Let's go back to the diagram. अब ये देखें, we already know that this inverter will provide, this converter will provide two quadrant operation. ये वाली side पे ये वाला operation था, that is due to this one. We already seen in the previous case. और ये अगर वी हैव दिस इनपुट वेव फॉर्म, ठीक है, द फायरिंग एंगल इज अल्फा एंड द सेकंड फायरिंग इज पाई प्लस अल्फा. तो इन द केस ऑफ फर्स्ट कन्वर्टर, फर्स्ट कन्वर्टर होगा हमारे पास, द आउटपुट वोल्टेज विल बी लाइक दिस. ये देख लें, ये फायर करेगा, देन इट सिंस इट्स अ फुल कन्वर्टर, तो इसमें दोनों साइकिल ही यूज होंगे. ठीक है, However, in that, in this case, दूसरी साइड पे आप अगर देखें, इसको ये देखें, इसने नेगेटिव के साथ दिया है, ठीक है, माइनस वी आउटपुट टू, ठीक है, ये प्लस था, तो उसने वो उसको क्लियर करने के लिए दिखा दिया है. ये देखें, थोड़ा इसमें कंफ्यूजन हो गया आपको कि ये ऐसी, इसकी भी ऐसी वेवफॉर्म क्यों आ रही है. रीजन इज दैट इट हैज, इट शोज इन एन इन्वर्टेड वे. ठीक है, और जो फायरिंग एंगल था इसका अल्फा था, तो इसका पाई माइनस अल्फा रखेंगे. ठीक है, दोनों बैक टू बैक ऑपरेट करेंगे. अब इन दोनों का जो एक्चुअल सम है, वो दैट विल बी रोटेटिंग थ्रू द लोड होगा. ये इफ दिस वन इज ऑपरेटिंग, कन्वर्टर वन ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज होगी. ठीक है, इनकेस ये ऑपरेट कर रहा है, तो इसमें भी एक, when both are operating, जब दोनों operate कर रहे हैं, तो what will happen? There is a circulating current. तो circulating current, it should not go into the load, because it will disturb the load. Let me admit one question. तो होगा ये, वोल्टेज सर्कुलेटिंग करंट है जो आपके पास, जब ये दोनों कन्वर्टर ऑन होंगे, देन देयर इज अ सर्कुलेटिंग करंट. अब यहां पे एग्जांपल देख लें, ये देखें, इसको इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन में ले लें आप, ये अगर उल्टा हो, ये देखें, दिस इफ दिस इज इन्वर्टेड, तो आप देखेंगे कि जो वेवफॉर्म है यहां से, इसके इक्विवेलेंट है, वो कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगी वो That will not be cancelled. इसका ये inverse होगा ना दूसरी वेवफॉर्म का. इनको sum up करेंगे तो आपके पास ये
यूनिफॉर्म बचेगी ना इधर, दिस इज द इन्वर्टिंग वोल्टेज। बात समझ आ रही है कुछ नहीं? आई नो इट इज लिटिल बिट ट्रिकी, लेकिन इतना ट्रिकी नहीं है। जब दोनों बैक टू बैक ऑपरेट करेंगे और सिंगल ऑपरेट करेगा देन देयर विल बी नो इशू। जब दोनों बैक टू बैक ऑपरेट करेंगे तो देन देयर इज अ पॉइंट इसी रेंज में ऐसा होगा इट विल हैव अ सर्कुलेटिंग करंट। तो ये सर्कुलेटिंग करंट की शेप ऐसी होगी, वो वोल्टेज जो है वो ऐसा होगा, तो यू नो दैट द शेप विल बी सिमिलर लाइक दिस। वी वांट टू अवॉइड द सर्कुलेटिंग करंट थ्रू द इंडक्टर थ्रू द लोड। उसके लिए क्या करते हैं, देन this inductive coil is connected over here. ये inductive coil इसे भी लगाते हैं कि it will oppose the abrupt change of current. ठीक है? तो ये load में से flow करने नहीं देते। You need to look at the diagram carefully. बस फर्क ये है कि इसको अगर उठा करके इसमें add करें तो ये चीज आ रही है। ठीक है? If you look at from here, it is reversed. तो ये वाली peak cancel हो जाएगी। यहाँ से जो change आ रही होगी उसके बाद इन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर से आएगा और यहाँ पे इसको जो नेक्स्ट वायरिंग है वो आ जाएगा। ठीक है, यू नीड टू लुक एट केयरफुली। ठीक है, एक्सट्रीमली सिंपल। लेट्स गो बैक। द डिले एंगल आर कंट्रोल्ड, ये चीजें हैं अल्फा 1 अल्फा 2। डिले एंगल ऑफ द कन्वर्टर 1 एंड 2 correspond to the output every voltage with this one plus one. Delay angles are controlled such that one converter operates as rectifier and another converter operates as inverter. But both produce the same average output. ठीक है? ये फॉर्म आपने देख ली। स्टेट्स एवरी वोल्टेजेस आर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर के केस में भी हमने डिराइव की थी कि इसकी ये फॉर्म आपने याद है नहीं? ये हमने इस केस में देखा था, इसको डिराइव किया था अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक ऑपरेट कर इसकी वैल्यू भी सी है। ठीक है, किसी को इशू तो नहीं हुई पूरा? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। अच्छा पहले बता दो यार, अब आ रही है क्लियर कुछ? जी जी सर, अब ठीक आ रही है सर, अब बेहतर है सर। खुरम साहब बताए ना सर, नाश्ता कर लिया खुरम? जी सर कर लिया। ये देखें जी, लेट्स कम बैक। ये देखें वीडीसी 1 डीसी 2 पहले कन्वर्टर की दूसरे कन्वर्टर की। ठीक है, कर लेंगे ना, ये ड्राइव मसला तो नहीं है ना। ये बाकी फुल वेव की है, ये कॉस अल्फा जो फायरिंग एंगल की वजह से चेंज आएगी। ठीक है, एवरी वन कन्वर्टर इज रेक्टिफाइंग अदर वन इज इन्वर्टिंग। तो हमने ये कहा कि वोल्टेज सेम होगी लेकिन विद इन्वर्टिंग साइन। इन दोनों को कंपेयर किया तो हमारे पास ये चीज आ गई, कॉस अल्फा 2 इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा 1। जब इसको करेंगे इक्वेट करेंगे माइनस कॉस को क्या किस तरह लिख सकते हैं, पाई माइनस अल्फा। ठीक है, इसको खोले ना, कॉस पाई कॉस अल्फा प्लस साइन पाई साइन अल्फा, तो ये चीज आ जाती है ऐसे। ये जी किसी को पता है ना ये कैसे आइडेंटिटी की? जी सर, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। क्लियर जी, बात समझ आ रही है नहीं भाई? जी जी सर, ये हमने ये किया है कि अल्फा 2 को अल्फा 1 की फॉर्म में लिख दिया। इट विल सिंपलीफाई योर कैलकुलेशंस। अब क्या है जी, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ऑफ टू कन्वर्टर आर आउट ऑफ फेज, ये हम देख चुके हैं। देयर कैन बी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज डिफरेंस, दिस कैन रिजल्ट इन अ सर्कुलेटर करंट बिटवीन द इंडक्टर। यानी जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है ना, तो ये मुख्तलिफ हो सकती है। इंस्टेंटेनियस ना एवरेज तो सेम है लेकिन इंस्टेंटेनियस मुख्तलिफ हो सकती है। द सर्कुलेटिंग करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू द लोड एंड इज नॉर्मली लिमिटेड बाय सर्कुलेटिंग करंट रिएक्टर LR। ठीक है, जो सर्कुलेटिंग करंट है इट्स अ वेरिंग, तो ये लोड के थ्रू फ्लो नहीं कर सकता, तो इसलिए इसको लिमिट किया जाता है रिएक्टर से। ठीक है, इफ वोल्टेज V आउटपुट 1 एंड V आर द इंस्टेंटेनियस आउटपुट वोल्टेजेस
then the circulating current can be found by integrating the instantaneous voltage differences starting from pi minus alpha 1. Pi minus alpha 1. Because ये मैं बताता हूँ ये कैसे उसने लिखा है. ये basically ये alpha 2 है. ये उसी वक्त start होगा ना जब दूसरा fire करेगा. जी खुरम कुछ पता चल रहा है? तेरा आ रही है कुछ? सरत बात ये है कि सर्कुलेटिंग करंट उस वक्त फ्लो करेगा जब दोनों ऑपरेट कर रहे होंगे. पहला तो ऑपरेट कर रहा है तो दूसरा कहां पे करेगा? अल्फा टू पे ना. तो अल्फा टू किसके इक्वल है? पाई माइनस अल्फा वन के. ऐसी है ना, यहाँ पे यानी इस पॉइंट पे स्टार्ट होगा सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करना. बिकॉज टू आउटपुट वोल्टेजेस एवरेज ड्यूरिंग द इंटरवल पाई प्लस अल्फा टू आर इक्वल एंड अपोजिट. ये मैं अभी आपको यानी पाई प्लस अल्फा से टू पाई माइनस अल्फा. लेट्स गो बैक. पाई प्लस अल्फा पाई प्लस अल्फा कहां पे है? I can see what is the condition. Pi minus pi plus alpha 1 to pi minus alpha 1. Pi plus alpha 1 ये देखें. 2 pi we are struggling actually in terms of ये देखें. ये है पाई प्लस अल्फा वन. देख लिया ये जहां पे मैंने किया हुआ हाईलाइट? हजरत देख रहे हैं भाई? जी सर. और दूसरा टू पाई माइनस अल्फा वन कहां पे? यहां पे. पाई प्लस अल्फा कहां पे भाई? किसी को समझ आ रही है? दोनों एक दफा सर दोबारा बता दें. ये देखें, ये भी गौर करो जो मैं बात कर रहा हूं. पाई प्लस अल्फा वन कहां पे है? ये पॉइंट है ये वाला. और टू पाई माइनस अल्फा वन कहां पे? ये. अब ये देखें इस ड्यूरेशन में आपके पास ये देखें ये नेगेटिव है ना, तो ये वेव फॉर्म अपोजिट है. ये नेगेटिव में जाएगी तो ऑपोजिट है, तो ये इस इंटरवल में ये कैंसिल हो जाएगा. और यहां पे देखिए देयर इज नो सर्कुलेटिंग वोल्टेज. ये इस इंटरवल में कोई सर्कुलेटिंग वोल्टेज नहीं है. पूरम जी सर. शरद जी सर. तो बात समझ आ रही है? शोएब मुनीर साहब रऊफ जी सर. जी ये सर आ रहे समझ. सर सर ये कैंसिल आउट किस तरह होते हैं? मतलब पाई प्लस अल्फा वन और टू पाई माइनस अल्फा वन जो है आप कह रहे हैं कैंसिल? नहीं, ये देखें ना इसमें वेव फॉर्म देखें. ये बैक टू बैक ऑपरेट कर रहे हैं ना अब इस पॉइंट पे दोनों कन्वर्टर. जी ये है और ये इस वेव फॉर्म को उल्टा ड्रा करना चाहिए था एक्चुअली. इसने ये देखें नेगेटिव साइन के साथ सीधा करके ड्रा कर दिया. ये तो सर नीचे की तरफ होता ना सर, फिर जाके कैंसिल आउट होते हैं. ये देखें ये उल्टी हो जाएगी ना जब ये वेव फॉर्म जी रिवर्स करेंगे तो पाई प्लस अल्फा वन से लेके टू पाई अल्फा माइनस. ये जो इतना इतना सा ड्यूरेशन है ना ये बिल्कुल ये यहां से शुरू करके यहां तक का लाइन देख रहे हैं? जी जी सर. यहां तक का बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा. ये ऑपोजिट होगी ना वेव फॉर्म. तो यहां पे देखे कोई वोल्टेज नहीं है ये पॉइंट. Then there is no current. ठीक है जी सर. बोला था ना आपको you need to use your brain. Although I am explaining. तो यहाँ पे यही उसने बात बताई है कि इस पॉइंट पे क्योंकि आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएगा. कंट्रीब्यूशन इंस्टेंटेनियस सर्कुलेट करंट की जीरो होगी. तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर्कुलेटिंग करंट? ये इसने दिया पाई माइनस अल्फा वन ओवर ओमेगा. ठीक है, तो सर्कुलेटिंग वोल्टेज क्या है? दोनों का सम है. ये भी बताता हूँ कैसे किया. फिर यहाँ पे उसने क्या किया, जो विजिबल है ना आपके पास रेंज विजिबल है,
अब यहाँ पे आगे जाएं तो सर्कुलेटिंग वोल्टेज कहाँ पे शो हो रही है? सर्कुलेटिंग वोल्टेज कहाँ से शो हो रही है आपके पास? 2 पाई माइनस अल्फा 1 से स्टार्ट हो रही है। यहां से स्टार्ट हो रही है ना सर्कुलेटिंग वोल्टेज, अगर इस साइकिल में आप देखें, या यहां से ये है सर्कुलेटिंग वोल्टेज या ये है, ऐसी है भाई? जी सर। बाकी कितने बैठा है यार, देख रहे हैं अंदर? सर देख रहे हैं नहीं सर। नसीम खान जी, जी सर ठीक है। शुएब मुनीर साहब जी सर। हाँ ये देखिए, जहां पे सर्कुलेटिंग वोल्टेज आपने करंट निकालना है ना, या ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, पाई माइनस अल्फा वन से यहाँ स्टार्ट हो रहा है 2 पाई माइनस अल्फा वन से, तो यहां पे परेशान नहीं होना। सर ये ओमेगा टी की जगह ये 2 पाई कर देता। जी जी सर, ये ओमेगा टी की जगह 2 पाई कर देता। ये एक्चुअली उसने अगली जो लिमिटेशन है ना उसको ओपन रखा हुआ है। ये देखें कि ये कहां तक जा सकता है। जी सर। अब ये कह रहे हैं ना ये इसको कर देता हो। जी सर ठीक है ना, उसने उसको ओपन रखा हुआ है, वो बस स्टार्टिंग पॉइंट से ये पता चला ये कैसे आ रहा है। ये आई जी सर कैसे आ रहा है सर? इसका वो लिया, इसने ड्यूरेशन लिया है कि कहाँ कहाँ पे ये जीरो आ रहा है और कहाँ पे इसकी वैल्यू। नहीं, ये फार्मूला कहाँ से आया? फार्मूला कहाँ से आया भाई? सर वो देते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक, और वो पीरियड देते हैं, और वो जो ड्यूरेशन पे जहाँ पे आ रही थी वैल्यू उसी का लिया उसने। यानी ये कहाँ से आया? ये I is equal to 1 over omega L R in integral V R, ये कहाँ से आया? सर करंट लेना है तो V वाला ग्राफ हमें पता था, उसने उसका इंटीग्रल लेके आई। ये कहीं एल डी आई बाई डी टी वाला फार्मूला तो नहीं है? जी सर वही सर वही है, उसी का इंटीग्रल लेके। ठीक है, अब ये चीज उसने वही चीज बता दी जो मैंने आपको कहा ना, या ये यहाँ से ले लें या यहाँ से ले लें, एक ही बात है। दोनों को अलग अलग कर लिया, दोनों वोल्टेजेस को, ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लिया, और उसमें जो आपके पास चीज है इनर्श करंट ग्रेटर देन जीरो होगा इस इंटरवल में, तो लेस देन जीरो होगा इस इंटरवल में, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट इज नॉट दैट नीड टू, वही चीजें बताई गई हैं। ये सिर्फ इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है ये चीजें, वी ऑलरेडी नो दैट, हम इसको ऑलरेडी यानी डुअल का केस नहीं पढ़ा, बाकी केसेस हम पढ़ के आ चुके हैं। नाउ लेट्स गो टू द थ्री फेज फुल कन्वर्टर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन वोल्टेजेस, लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेजेस का क्या रिलेशनशिप होता है, ठीक है, थ्री फेज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी नीड अ हायर पावर लेवल, वेयर टू क्वाड्रेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड,
और यहाँ पे अब ये चीजें सिर्फ डिफरेंस द ओनली डिफरेंस ये भी हम वहां पे डिराइव कर चुके हैं, बस जहां जो आपकी रेंज होगी वहां पे आपने अल्फा ऐड कर लेना। द रेंज क्योंकि अब यू कैन कंट्रोल द कंडक्शन ऑफ योर थायरिस्टर्स, ठीक है, बाकी सारी की सारी चीजें वही हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मुझे खुरम साहब जी सर एग्री कर रहे हो मेरे साथ? जी जी सर बिल्कुल, चीजें सिर्फ यहाँ डायोड्स की जगह थायरिस्टर लग गए, बाकी फायरिंग एंगल का डिफरेंस है, एवरीथिंग एल्स इज द सेम, हर चीज सेम है। Now, what you have to do, go back home, see the three-phase converter, three-phase को देखें, उसके बाद उसको इसके साथ कंपेयर करें, only you will find the difference is that is only alpha, ठीक है, उस पॉइंट पे हमने क्या किया था, sometime you know that the here the calculations are difficult then, तो आप उसी को फॉलो कर लें जो हमने वहां पे की थी। ठीक है, जस्ट ऐड द अल्फा इन दैट एंगल, क्या ख्याल है जी? एनी ओपिनियन? एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ? Any question? कोई सवाल है? अच्छा, नेक्स्ट क्लास है ना, मैं कुछ ना कुछ पूछ लिया करूंगा पिछले लेक्चर से, क्योंकि आपका एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है, तो उसमें वाइवे के मार्क्स हैं। हाँ, नाउ यू है, आई हैव द अथॉरिटी, वाइवा बेस पेपर होंगे। HCI has announced its policy for the evaluation. ठीक है? अच्छा, आप ऐसा करेंगे एज ए असाइनमेंट, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डन दैट, ये थ्री फेज फुल कन्वर्टर जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग यू विल सबमिट इट ऑनलाइन, ओके, थ्रू द LMS, find the performance parameter of three-phase full wave converter, ठीक है? तो ये आपकी assignment है, और इसको proper understanding के साथ आपने करके आना, इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। I suggest better go home and see the previous diode case, यानी जिसमें हम diode के साथ हमने किया था, तो then it will be easy to understand. ठीक है भाई? जी सर। Any questions? सर इसमें ये derivation वगैरह हर चीज करके करनी है या assignment में करना? नसीम साहब ऊंची बोले। सर assignment में करना क्या होगा, मतलब सिर्फ ये जो derivation है ये करनी है या सर इसमें क्या करना है? इसमें यानी आप जब performance parameters आ जाएंगे तो उसमें तो आपने efficiency बतानी है, ठीक है? वो सारे के सारे लिखे हुए हैं। एक्चुअली यू नीड टू ड्रॉ सर्किट डायग्राम एंड वेव फॉर्म, दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? परफॉर्मेंस पैरामीटर्स में भी ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर है, एवरेज और आरएमएस वोल्टेज आ जाती है, ठीक है? ये सारी की सारी चीजें आ जाती है, समझ आ गई बात? जी जी सर, ठीक है सर। सर हम ये थ्री फेज में जो फायरिंग एंगल देते हैं तो सर हम तीन बार देते हैं हर फेज को, लगा लंदा ये दोबारा बताएं, आपकी आवाज कम आई। सर जो हम थ्री फेज जो में अप्लाई करते हैं फायरिंग एंगल तो हम ये तीन दफा देते हैं हर फेज को, लगा लंदा जी जी बिल्कुल, ये देखें अगर आप इसकी सर्किट डायग्राम पे गौर करें, लुक एट द सर्किट, एट ए टाइम कितने, ये देखें ये ब्रिज ही है ना, एट ए टाइम दो डायोड ऑपरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, सबका फायरिंग एंगल सेम होगा अल्फा,
T1 and T6 अगर वो ऑपरेट कर रहे हैं तो उनका फायरिंग एंगल अल्फा होगा, और अगर इनका फायरिंग एंगल डिफरेंट होगा ना डायोड का, तो ये कुछ और ही वेवफॉर्म निकल आएगी. टू हैव अ बेटर एफिशिएंसी यू नीड टू हैव अ सेम फायरिंग एंगल फॉर ऑल. यूजली होता है एक वो जो सर्किट होता है ना फायरिंग एंगल का, वो सबके साथ कनेक्टेड होता है. ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन है. स्टार कॉन्फ़िगरेशन के मसाइल आपको पता होने चाहिए, वो यहां पे इसने खोल के लिख दिए सारे. लाइन टू लाइन वोल्टेज अंडर रूट 3 वी मैक्सिमम साइन ऑफ. ठीक है जी, ये बात समझ आ गई. यहां पे लाइन सुन रहे हो भाई? जी सर. इन द केस ऑफ स्टार लाइन वोल्टेजेस एंड फेज वोल्टेजेस आर डिफरेंट, बट लाइन करंट एंड फेज करंट्स आर सेम. डेल्टा के केस में वोल्टेजेस सेम होती हैं, करंट डिफरेंट होता है. ऐसे ही है ना जी पूरम? जी बिल्कुल सर, ऐसे लास्ट टाइम हमने देखा. ठीक है, टेक अ ब्रेक 10 मिनट्स, देन कम बैक. ओके, 10 मिनट ब्रेक ले लें, देन कम बैक. ओके, थैंक यू.